हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड था, कॉमर्स बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड था, कोई भी स्टूडेंट इन कोर्सेज को कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इन कोर्सेज को करने के लिए वो है 10th पास आउट होना। अगर आप 12th क्वालिफाइड है ना, तो आप ये कर सकते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि 10th क्वालिफाइड, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, 10th स्टूडेंट के पास तो स्ट्रीम्स होती नहीं है। सो किसी भी एज के हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इसके लिए पहले से आपको कोई भी नॉलेज होना रिक्वायर्ड नहीं है। मींस अगर आपको जीरो नॉलेज भी है ना उस सब्जेक्ट की, जैसे GST हो गया, जीरो नॉलेज है, टैली की जीरो नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। जितने भी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, सब जीरो लेवल से स्टार्ट है। मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे कि एक्चुअल में GST होता क्या है, ये बताएंगे कि टैली होता क्या है, उस लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और एडवांस प्रैक्टिकल लेवल तक आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, सो मतलब सबसे पहले तो माइंड में ये सब निकाल देना कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, तो मुझे पहले से कुछ आना चाहिए, ये नहीं आता। एडवांस में आपको बेसिक भी कवर है और एडवांस भी कवर है। फिर इसके बाद जो बंडल्ड कोर्सेज हैं हमारे पास, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ बंडल्ड कोर्सेज हैं, जैसे टैक्स एक्सपर्ट, अकाउंट एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट, सिल्वर क्लब, गोल्डन क्लब। इसमें क्या है, एक से ज्यादा जो आपके कोर्सेज हैं उनको कंबाइन किया गया है। तो इंडिविजुअल कोर्स में और इन कोर्सेज में दोनों में कंटेंट एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जब चेक करें तो वो ये फील करें कि एक में वीडियोस ज्यादा है, एक में वीडियोस कम है। आप मेरी बात पे बिलीव करिए, दोनों में सेम कंटेंट है, क्योंकि कुछ हमने ना एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है जो कि क्या है कि सिंगल, हर सिंगल वाले में अवेलेबल है वही कंटेंट बार बार। वो GST के अंदर वो 50 वीडियोज है, इनकम टैक्स के अंदर भी वो 50 वीडियोज है। बट जब आप GST और इनकम टैक्स एक बार में परचेज कर रहे हैं तो वो वीडियोज एक ही बार तो देखेंगे ना, दो दो बार हम 100 नहीं देंगे, अब आपको 50 देंगे, क्योंकि वही वीडियोज दो बार रिपीट हो रही थी। सो इन शॉर्ट, आप उस चीज के लिए बिल्कुल मतलब सोचिएगा भी मत कि कंबाइन में वीडियोस कम या ज्यादा है, वो एग्जैक्टली सेम वीडियोज है, 100% सेम कंटेंट है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि किसके लिए कौन सा कोर्स अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहली तो चीज, इन कोर्सेज को करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन है तो भी ये कोर्स आपके लिए 100% परफेक्ट है। मतलब आप अपने बिजनेस में, जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं तो उनको रहता है कि मुझे अपना वर्क खुद संभालना है, टैक्सेशन वगैरह का ये मुझे नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपके पास अकाउंटेंट है, सब है, बट वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तो आप भी ये कोर्स कर सकते हैं। मेरा इसमें आपको ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है उनका ओके है, अदरवाइज बाकी सबका जो भी ये कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद अपनी प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। आप जॉब अप्लाई करिए ओके है, बट उसके अलावा ना इन कोर्सेज के बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और यू वॉन्ट बिलीव कितना ज्यादा स्कोप है इंडिया में, हर स्टेट में। मतलब जब टैक्सेशन की मैं डिटेल शेयर करता रहता हूँ ना अलग अलग वीडियोज में, अब मतलब इतने क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट है हर सिटी में आपके, तो आपके पास स्कोप है। अब एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मार्केट में, कि अगर मुझे GST की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे CA होना जरूरी है या मुझे एडवोकेट होना जरूरी है इस तरह से, या मुझे गवर्नमेंट का GST प्रैक्टिशनर एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी पर्सन एडवाइजरी कर सकता है, एडवाइस देने में कोई कभी भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं CA हूँ, मेरा फाइनेंशियल है, बट आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि किसी और फील्ड के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये मोबाइल में ना कैसे ओपन होगा, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मैं अपनी कोई भी शॉप, एडवाइजरी शॉप ओपन कर सकता हूँ ना, मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का आपको गाइडेंस दूंगा। क्या मुझे उसके लिए किसी प्रॉपर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। सेम यहाँ पे है, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद ये आता है कि जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज है ना, हर सर्टिफिकेट कोर्स में आपको सेपरेट सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप टैक्स एक्सपर्ट कर रहे हैं तो GST प्लस इनकम टैक्स, तो आपको दो सेपरेट सर्टिफिकेट मिलेंगे। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में, सो आप कभी भी देखिए, कैसे भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सीक्वेंस में आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं है। रिकॉर्डेड मोड में होने का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि आपको ना क्लासेस एक साथ मिल जाती है। अब किसी भी टाइम देखिए, आप वर्किंग में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सैटरडे संडे में कभी भी देखिए या इवनिंग में आके देखिए,
और जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर कोर्स में ना एक वैलिडिटी लिखी होती है, जैसे सुपर एक्सपर्ट कोर्स है 9 मंथ्स की वैलिडिटी। अगेन आई एम सेइंग कोर्स परचेज करने से पहले आप चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद हो सकते हैं कुछ चेंजेस आए हो। तो 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9 मंथ्स तक का टाइम उस पर डिवोट करना है। इसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि आपके पास वो कंटेंट 9 मंथ्स तक रहेगा, 9 मंथ्स तक जो वीडियोस में चेंजेस आएंगे या कोई भी सिलेबस में चेंज आता है तो वो वीडियोस आपको मिलेंगी, वहां पे आप उन वीडियोस के थ्रू अपडेट रह सकते हैं और कंटेंट 9 मंथ्स के अंदर कभी भी कंप्लीट करिए। अगर जैसे आपने डेली कवर करा, एक कोर्स ना एक मंथ में कवर कर सकते हो आप आराम से डेली देख के, ठीक है। आपने जीएसटी 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया तो 1 मंथ के बाद ही सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद आपने दूसरा कोर्स कर रहे हो उसका करके, मतलब एक एक करके भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। लाइव क्लास क्यों नहीं है, लाइव क्लास में बहुत ज्यादा लिमिटेशन हो जाती है। पहला, आपको मेरे टाइम के हिसाब से देखना होगा, जिस टाइम मैं कहूंगा आप उस टाइम अवेलेबल है या नहीं है पता नहीं, जब बैच बनेगा तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज करना चाह रहे हो तो फिर उसमें लाइव बैच में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, मेरा बैच 2 महीने बाद बनेगा तो आपको 2 मंथ्स का वेट करना रहेगा। सेकंड, वो कोर्स अगर मेरा 4 मंथ्स तक चलता है तो आपको 4 मंथ्स तक वेट करना रहेगा कोर्स के कंप्लीट होने का। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है, जितना जल्दी कंप्लीट करना चाहे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात होती है कि फ्यूचर में मेरे पास स्कोप कितना है, मैं कितना इसमें किस फील्ड में मैं करियर बनाऊं, कौन सा मेरे लिए ऑप्शन अच्छा है। देखिए, अगर आप टैक्स फील्ड में अपना ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम आप टैक्स एक्सपर्ट तो लीजिए। टैक्स एक्सपर्ट आपके पास अलग अलग ऑप्शन भी है, जीएसटी टैक्स एक्सपर्ट का मतलब है उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स। आप चाहें तो अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं और चाहें तो कंबाइन परचेज कर सकते हैं। कंबाइन परचेज करने पे एक तो आपके प्राइस में रिड्यूस हो जाता है, कोई भी कोर्स आप कंबाइन लेंगे ना फीस रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा क्या, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने जैसे जीएसटी लिया, अगेन आई एम सेइंग जब परचेज करेंगे डिटेल्स चेक करना, फॉर एग्जांपल उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है जीएसटी, ठीक है। जब कोर्स पे लिंक पे चेक करेंगे ना वहां पे लिखा आता है नीचे, आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे सब आपको पता चल जाएगा। तो उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है, टैक्स एक्सपर्ट की 6 मंथ्स की है। अब 6 महीने तक आपके पास दोनों कोर्स रहेंगे, जीएसटी भी रहेगा इनकम टैक्स भी रहेगा, तो आप कभी भी देख सकते हो, बाद में भी देखना है तो आप देख सकते हो। सर्टिफिकेट ले लिया उसके बाद भी क्लासेस आपके पास 6 मंथ्स तक रहेंगे, तो ये बेनिफिट होता है आपको, डबल बेनिफिट। अदरवाइज आप एक एक करके भी परचेज कर सकते हो। तो टैक्स एक्सपर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि मिनिमम तो आपको टैक्स एक्सपर्ट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स की दोनों की नॉलेज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। तो टैक्स एक्सपर्ट मेरी तरफ से मिनिमम रहेगा, कोई भी स्टूडेंट है हर किसी को, ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि हर किसी को आज के टाइम पे नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट अपना तो टैक्स इनकम टैक्स तो मैनेज करना ही है ना, अपने फैमिली का तो करना ही है ना, वो सब चीज है। उसके बाद आप इसके आगे क्या सीख सकते हैं, आप टैली सीख सकते हैं, ठीक है। टैली और एक्सेल, ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक जिसको इसमें अपना सोचा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए मैं मिनिमम कोर्स रिकमेंड करूंगा सुपर एक्सपर्ट। सुपर एक्सपर्ट में क्या हो गया, आपके पास जीएसटी इनकम टैक्स टैली एक्सेल, ये 4 कोर्सेज कवर हो गए। इन 4 कोर्सेज की हेल्प से आप क्लाइंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और कहीं पे जॉब पे भी अप्लाई कर रहे हो ना तो वो ये 4 चीजों के बिना आपको जॉब नहीं मिलने वाली है प्रॉपर कॉमर्स फील्ड में। तो आपको इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इसी के कारण आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। आपको एक सेकंड वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, अगर आप जहाँ पे देख रहे होंगे लिंक वगैरह में या वेबसाइट पे देख रहे हैं तो साइड में, ऐप में देख रहे हैं तो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको साइड में मिल जाएगी, जहां पे मैं आपको कैलकुलेशन शो कर दूंगा कि किस वर्क से कितना आप अर्न कर सकते हो। अभी जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या हुआ, आपने जीएसटी का काम करा, क्लाइंट आएगा वो चाहता है कि सारा काम आप ही करो, क्योंकि एक ही पर्सन के पास जाना चाहते हैं कि एक ही, अब हर किसी के पास अलग अलग जाए वो दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि आप क्या करेंगे, जीएसटी उनको कवर करा रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो आप उनसे कहेंगे अरे इनकम टैक्स भी तो आपको करा रहे हैं ना, लाओ मुझसे करा लो, जीएसटी तो अच्छा चल रहा है, उनको भी आप पे ट्रस्ट है तो वो भी आपसे इनकम टैक्स भी कराएंगे। फिर धीरे धीरे आप उनको क्या कह सकते हो, अच्छा अकाउंटेंट रख रखा है आपने, वो 20,000 रुपीज पर मंथ ले लेते हैं, आप मुझसे करो, मैं आपको 5,000-7,000 में करके दूंगा। वो बुक कीपिंग होता है जहां पे आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आपको 5-7,000 बहुत अच्छी इनकम मिल जाएगी, उससे आपको मेहनत नहीं लगेगी। और वहां पे सामने वाले पर्सन को क्या हो गया, उसकी 20,000 की जगह भी उसे 5,000-7,000 रुपए पे करने। दूसरा, अभी उसको पता है कि आप कर रहे हो तो मतलब आप ही जीएसटी देख रहे हो, आप ही अकाउंट्स देख रहे हो, आप इनकम टैक्स देख रहे हो, मतलब सब काम परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स ना अभी कोर्स करते ही साथ ही, मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद में विद इन 1 मंथ और 2 मंथ 30-40 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, और बहुत आराम से कर रहे हैं, ठीक है। क्या करा है उन्होंने, बस ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया और वो कोर्सेज करने स्टार्ट कर दिए। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है,
इतनी एजुकेशन लेके सालों साल पढ़ने के बाद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद फिर क्या करते हैं, 15,000 मैक्सिमम 10,000 5,000 की जॉब कर रहे होते हैं, और यहाँ पे उससे मतलब कई गुना ज्यादा आपको अर्न करने को मिल जाएगा। क्या मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आपको कैलकुलेशन उसमें समझ में आएंगी, तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें वो भी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको टैक्स एक्सपर्ट और सुपर एक्सपर्ट के बारे में बता चुका हूँ। अब इसमें एक हमारा कोर्स आता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंट कोर्स में क्या है, उस फाइनेंशियल अकाउंटेंट के अंदर आपको अगर अकाउंट्स की जीरो नॉलेज है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो वो आपको उसमें बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया रहेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी होगी, मतलब अकाउंट्स क्या होता है, एसेट इनकम लायबिलिटी क्या होता है, और डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल क्या होता है, ये सब उसमें कवर कराया, ठीक है? तो जीएसटी और इनकम टैक्स सीखने के लिए अकाउंट्स की नॉलेज आपको जरूरी नहीं है। अगर आपका भी टारगेट है कि सिर्फ मुझे जीएसटी इनकम टैक्स करना है तो करिए, उसके लिए अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। अकाउंट्स की नॉलेज कब पड़ती है, जब आप अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, टैली सीखना चाह रहे हैं, इस तरह से करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है टैली की, अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली टैली से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो मतलब सुपर एक्सपर्ट कोर्स आपके लिए ओके है, उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं रहेगा, आपका वहां पे टैली डायरेक्ट आ गई, और उसमें भी हमने काफी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराया वैसे, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आपको है कि नहीं मुझे अकाउंट्स भी अच्छे से सीखना है, तो आप फिर कौन सा लीजिए, सिल्वर क्लब लीजिए। वहां पे आपको क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स भी कवर हो जाएगा, जिसमें अकाउंट्स जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल से आपको समझ में आ जाएगी, और उसके बाद फिर मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे टैक्स भी आता है, अकाउंट्स भी आता है, और टैली एक्सेल वो सब तो मुझे आता ही है। और इससे सबसे ऊपर जो हमारा कोर्स आ जाता है एट प्रेजेंट, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में कैसा होता है वो अलग चीज है, गोल्डन एक्सपर्ट, गोल्डन क्लब आता है। तो गोल्डन क्लब डेफिनेटली देखो, जितना बड़ा आप कोर्स लोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि रीजन क्या है कि सारे कोर्सेज जो है ना, ये आप सबको नजर में रख के बनाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स बिल्कुल हटके हो गया, वो आपसे ही रिलेटेड है सारे कोर्सेज, तो आपको उनके बारे में जानकारी होना है बहुत जरूरी हो जाता है। तो गोल्डन क्लब अगर आप ले सकते हैं तो वो लीजिए, उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि आपको जो सा कोर्स सही लगता है, सुटेबल लगता है, वो लीजिए। बाकी फिर एक एक करके बाद में अलग अलग भी ले सकते हैं, सारे कोर्सेज ना इंडिविजुअल भी अलग है, एक साथ लेने पे क्या होता है, बस आपको बेनिफिट मिलता है, वैलिडिटी लंबी हो जाती है, मतलब सारे कोर्सेज उतने टाइम तक, अपडेट उतने टाइम तक, प्लस फीस में आपको रिडक्शन मिल जाता है, ठीक है? अभी जैसे इसमें ना म्यूचुअल फंड का कोर्स है, पावर पॉइंट का कोर्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है, तो उन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी, कोई बात नहीं। उसमें क्या है कि जैसे आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का, आपको लगता है कि अरे वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स का मुझे क्या करना है, मतलब ये तो हमारे कोर्स से अलग हो गया। नहीं, आप 21st सेंचुरी में आज अगर आप ऑनलाइन, आपकी प्रेजेंस नहीं है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो मतलब आप सोचिए आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, क्यों? वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे तरीके से सिखाया कि 7th-8th का बच्चा भी उसको बना सकता है। आप अपनी एक सिंपल वेबसाइट बनाइए जहां पे अब किसी एक पर्सन को डिटेल देनी है, आप खुद ही सोचिए ना, एक पर्सन आपसे डिटेल मांग रहा है, अब क्या उसको एक एक उसको कहोगे व्हाट्सअप कर दो मैं आपको अभी लिख के भेजूंगा? नहीं, उसको वेबसाइट का लिंक दो, अपने जहां पे भी ऐड करोगे वहां पे लिंक दो, वो वहां पे जाएगा, आपकी सारी सर्विसेज देखेगा, आपके बारे में देखेगा, आपके सर्टिफिकेट्स देखेगा, तो वो अपने आप ही आपको कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है? तो वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। ऐसी पावर पॉइंट का कोर्स है, पावर पॉइंट के कोर्स में मैंने आपको पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल क्रिएट करना सिखाया, तो उसके बिना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और एक चीज और, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिमिटेशन सिर्फ मैं अपने एरिया तक का रहने वाला हूँ, कि मेरे एरिया में तो नहीं है इतने क्लाइंट्स नहीं है, और मतलब यहाँ पे तो फीस पे नहीं होती है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं हर कोर्स में, मतलब जो आपके जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है ना, उन सब में एक चीज आपको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत डिटेल में सिखाया है कि जीरो लेवल से, आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे, पूरा इंडिया आपका क्लाइंट बन सकता है, कैसे ऑनलाइन क्लाइंट्स को लें, अपने सिटी तक लिमिटेड मत रहो, कैसे उनसे फीस चार्ज करें, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उनको सॉल्व करें, अपनी फर्म का नेम कैसे रखें, विजिटिंग कार्ड बनाए ना बनाए, तो बनाए तो किस तरीके का बनाए, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताई आपको। तो मतलब फुल्ली प्रैक्टिकल कोर्स है, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, और इस चीज पे आप एश्योर रहिए कि सारा कंटेंट प्रैक्टिकली ना मैंने आपको क्लाइंट डेटा पे करके सिखाया है। तो मोबाइल पे क्लासेस है सारी, मोबाइल पे उनको देखिए, और कंप्यूटर पे क्या उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी इनकम टैक्स मैक्सिमम कोर्सेज आप
अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। और रही बात टैली एक्सेल की, तो देखो ऑफलाइन में अगर आप करोगे, ये सोच रहे हो कि अरे सर ऑफलाइन में जाके कर लेंगे, वहाँ 15-20 हज़ार रुपये दोगे, यहाँ वो आपको 2,000-2,200 रुपये ऐसे रह रहा है अभी ऑफर में, तो मतलब इतना सस्ता है। तो बाकी पैसे को इन्वेस्ट करके अपना लैपटॉप परचेज कर लो, 10-15 हज़ार रुपये में तो लैपटॉप आ जाएगा आपका, कम से कम वो आपका यूज तो होगा प्रैक्टिस में भी और आगे अर्निंग करने के लिए भी। तो वहां पे वेस्ट करने की जगह ऑफलाइन में, इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन में इसको पैसे को सेव कर सकते हो, और सर्टिफिकेट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होनी है, ठीक है। सो जो सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें एक तो यूनिक सर्टिफिकेशन आईडी होगी आपकी, उस सर्टिफिकेट की यूनिक आईडी के कारण क्या होगा कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, मतलब वो उसको कहीं पे आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हर सर्टिफिकेट जो होगा उस पर मेरे साइन होंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लियर मेंशन करके लिखा होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब इस तरीके से चीजें क्लियर लिखी होती है ना, वहां पे लिखा है कि हाँ अभी कि सीए से आपने पढ़ा है, तो मतलब सीए को माना जाता है कि इस सब्जेक्ट फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे अभी डॉक्टरी सीए पढ़ाएगा तो बेकार है, डॉक्टरी में किसके साइन की वैल्यू है, डॉक्टर की जो उसमें हाई लेवल पे है। ऐसी अगर कुछ और आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इंजीनियर की वैल्यू है। तो ऐसे ही फाइनेंस में जब आप कहीं नॉर्मल सर्टिफिकेट करते हैं ना, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज है चाहे कैसा भी है, वहाँ पे प्रैक्टिकली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और आपको भी पता है कि वहाँ पे ना तो सिखाया जाता है और कंपनी को भी पता होता है कि मैक्सिमम जगह सिखाया नहीं जाता है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि कंपनी को डाउट में क्या है भाई, सर्टिफिकेट तो हर कोई ले लेता है, पता नहीं आता ही नहीं आता है। बट जब आपने सीए से सीखा है तो वहां पे एक बिलीव होता है, एक ट्रस्ट होता है, आपके सीवी में लिखा होगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट या बाय सीए पीयूष गुप्ता, जैसा भी आप चाहें, तो वहां पे ट्रस्ट होगा, कंपनी आपको कॉल जरूर करेगी कि हाँ आपने सीए से सीखा है, मतलब एक्चुअल हाई लेवल की आपने नॉलेज ली है। बाकी आपको पूरा डेमो वगैरह देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप उस पर पूछ के जरूर कॉन्टैक्ट करिए। मतलब बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, मतलब एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 2-3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, तो आप भी उस लिमिट को भी क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, है ना, तो वो भी तो इन्हीं कोर्सेज को पढ़ के कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, तो आप उससे बेटर भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करो, चीजों को सीखो, एक एक करके सीखो, क्वालिटी चेक करो, आपको अपने आप बेनिफिट दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।